राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए अंतिम प्रयास के तौर पर लॉकडाउन लगाकर कोविड को रोकने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में मार्च और अप्रैल महीने में संक्रमण के मामले एक दिन में 6000 के पार आ रहे थे तथा मृत्यु का आंकड़ा 100 के ऊपर जा रहा था। आज मई महीना है, लॉकडाउन का फायदा दिखाई दे रहा है, संक्रमण के मामलों में काफ़ी कमी आई हुई है तथा नागपुर प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए काम पे लगी हुई है। लेकिन नागपुर के गोकुलपीठ स्थित सब्जी मार्केट में कोरोना संक्रमण के सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में गोकुलपीठ मार्केट में लोगों की भारी भीड़ हो रही है। उस वक्त मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में इस तरह नियमों का उल्लंघन होना यह सोचने वाली बात होगी।